रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मैं बनाने लगी हूँ काले चने। इसके लिए एक पाव चने, इसको 5-6 घंटे से पहले मैंने भिगोया हुआ है, 2 अदद प्याज है, 2 अदद टमाटर है, 4-5 सब्ज़ मिर्ची हैं, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। आइए शुरू करते हैं। कुकर को मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है, चने मैंने धो के रखे हुए हैं, इसमें शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। अब ये प्याज डालने लगी हूँ। ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डालने लगी हूँ। दो अदद टमाटर हैं, ये डालने लगी हूँ। एक टीस्पून नमक डालने लगी हूँ। सुरख मिर्च 1 टीस्पून, ये डालने लगी हूँ। आधा टीस्पून हल्दी डालने लगी हूँ। ये 2 ग्लास इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये 2 ग्लास पानी शामिल किया। अब 10 मिनट के लिए इसे बंद करना है। अब इसकी सीटी बजेगी तो टाइम शुरू होगा। 10 मिनट के बाद इसे खोलना है। 10 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला है। चलिए, जो मैं कढ़ाई में डालने लगी हूँ, ये 1 इलायची डालने लगी हूँ, मोटी इलायची है। एक कप इसमें ऑयल डालने लगी हूँ। इनको अच्छी तरह भूनना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। इसमें ये जीरा डालने लगी हूँ, 1 टेबल स्पून। प्याज और टमाटर मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। मैंने हांडी को 8 से 10 मिनट तक भुना है, इतना भुना है कि हांडी ने घी छोड़ दिया। अब इसमें पानी डालने लगी हूँ। ये 2 ग्लास ही मैं इसमें पानी डालूंगी। सब्ज़ मिर्चें डालने लगी हूँ। अब इसको 6 से 7 मिनट तक बंद करना है। हाँ,
हांडी को चेक करते हैं। हांडी माशाल्लाह से तैयार है। अब मैं चूल्हे को बंद करने लगी हूँ। माशाल्लाह बहुत मज़े के चने तैयार हैं। बहुत प्यारा कलर है इनका। बहुत प्यारा माशाल्लाह कलर है। बहुत मज़े के हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।